गिरा तो है कुछ टूट के। हेलो एमजी फैमिली, बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम एमजी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही लेट शुरू हो रहा है, शाम के बज गए 5:30 और मैंने डिसाइड किया आज मैं खाऊंगा फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि आज है मेरा वर्कआउट का रेस्ट डे और मेरा कुछ अच्छा सा हेल्दी और टेस्टी खाने का मन है। मैंने ऑनलाइन इतनी बढ़िया रेसिपी देखी ना फ्रेंच टोस्ट की, तो सोचा आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि आप भी घर पर बना सकते हैं और मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कैसी बनेगी। तो बनाते हैं बढ़िया से फ्रेंच टोस्ट और फिर करते हैं दिन की बढ़िया सी शुरुआत। और फ्रेंच टोस्ट बनाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मुक्ति और आंचल क्या कर रहे हैं। ये भाई साहब पिछले 3-4 घंटे से रील्स की प्रैक्टिस कर रही है। मैडम तुम कर क्या रहे हो? हम फ्रेंच टोस्ट नहीं बना रहे क्योंकि हम फ्रेंच में नहीं रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। अच्छा, तुम ये क्या डांस की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? मैंने बोला मेरे साथ फ्रेंच टोस्ट बनवा दो, यानी इसको बोला मेरी हेल्प करवा दे। छुप रही है ये देख। भाई साहब आज इसके 10,000 फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, सही है बेटा, सही है बेटा। हमारी वजह से फॉलोअर बढ़े हैं और हमें मना कर रही है वीडियो बनाने के लिए। अब मेरी वीडियो में आने से मना कर दिया इसने। उसके बाद कैसे बनाएंगे फिर? मेरे को भूख लग रही है ना अभी। तू डांस की प्रैक्टिस तो बाद में भी कर सकती है ना। आप अभी बना के खा लो, बाद में मैं बना के खिला दूंगी। हाँ यही काम रह गया मुझे, मैं बार बार वीडियो बनाता रहूँ। चलो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। तो भाई साहब फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए जितना सामान चाहिए ना मैंने सारा का सारा ले लिया। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज चाहिए वो चाहिए हमें गैस और सिलेंडर और ये फ्राइंग पैन और साथ में कड़छी और एक छोटा सा लाइटर और चाहिए हमें ब्रेड। मतलब इन चीजों के बारे में किसी को पता था? दिमाग चाहिए वो नहीं बताया, सिलेंडर चाहिए वाह, गैस चाहिए वाह, ब्रेड चाहिए वाह। हाँ तो फ्रेंच टोस्ट ऐसे ही बनता है, मीठा होता है फ्रेंच टोस्ट। तू मीठा बना रहा है कुछ? हाँ हाँ। अगर अच्छा ना ना बना। और मेरे को एक चीज पता है जो नहीं चाहिए। क्या? तू मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। थैंक यू। ये सारी चीजों के बाद हमें चाहिए ब्रेड, अंडे, बटर। बटर से ना टेस्ट अच्छा आता है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो और घी भी यूज कर सकते हो, बट बटर का फ्लेवर टोस्ट में ज्यादा अच्छा लगता है। सिनेमन पाउडर चाहिए, पिसी हुई चीनी। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर कुकिंग शो। ये कबाब में हड्डियां क्यों आ रही है मैं बता रहा हूँ। अंडे लेंगे तो हमने सिनेमन पाउडर, अंडे, चीनी मिक्स कर लिया अच्छे से। फ्रेंच टोस्ट हो गए हमारे रेडी। इतना मैं खा पाऊंगा नहीं, बट मैंने बना लिया अपने लिए। मुक्ति मना कर चुकी है खाने को, आंचल अंडा खाती नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ कैरेमल टॉपिंग, और वैसे आप इसके ऊपर मेपल सिरप भी डाल सकते हो, हनी भी डाल सकते हो, दोनों बहुत टेस्टी लगते हैं, पर दोनों भी है नहीं है घर पे। इसके बाद मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, हालांकि मेरा रेस्ट डे है आज, लो इंटेंसिटी वर्कआउट करूंगा जस्ट टू कीप माय मेटाबॉलिज्म गोइंग। करते हैं अपनी मील कंप्लीट और उसके बाद करते हैं अपना वर्कआउट। दादू रेडी जाओ, आंचल दीदी के पास जाओ। सबसे अच्छी दीदी कौन है? कौन है दादू? आंचल दीदी है, आंचल दीदी है। तो गाइस अमेजिंग से फ्रेंच टोस्ट करने के बाद ना अब बारी आ गई है वर्कआउट करने की। एक चीज में फ्रेंच टोस्ट में डालना भूल गया था, वो था मिल्क। जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने मिल्क भी डाला था, बट चलो नेक्स्ट टाइम मैं डाल के देखूंगी उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो अब बारी आ गई वर्कआउट करने की, वर्कआउट से पहले मैं पीऊंगा अपनी कॉफी। तो मुक्ति गौतम फिटनेस ने कल कर दिया था अपना वर्कआउट मिस, आज करेगी वो वाला वर्कआउट और मैं करूंगा अलग वर्कआउट। तो आज हमारा अलग अलग वर्कआउट होने वाला है। तो मेरा तो आज थोड़ा सा एक्सेसरी वर्क ही था वर्कआउट में, और मैंने अपना वर्कआउट कर लिया कंप्लीट। अभी मुक्ति का तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ है। कम ऑन चीते, हैवी करेंगे। और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, तो मैंने सोचा ये बेंच पे लेट के थोड़े हवा का आनंद लिया जाए नीचे जाके डिनर करने से पहले। A few moments later. इतनी ज्यादा आंधी चल रही है कि लाइट चली गई है। अभी हम वर्कआउट करके नीचे आए थे और खाना भी नहीं खाया था, और बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है। मम्मी आ जाओ, अंदर आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी।
चलो अंदर आओ। गिरा तो है कुछ टूट गया। बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है। आज ही ना मैंने तूफान की वीडियो देखी थी यास वाली की, और उसको देख के ना मुझे मैं फील कर पा रही हूँ। ये आंचल और मुक्ति का चल रहा है रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। बाहर तूफान है, मम्मी ने डोले पापा ली। तो लाइट आ चुकी है फाइनली, अभी दो सेकंड पहले ही आई है, और अब हम कर सकते हैं अपने फोन चार्ज। मेरे दोनों फोन चार्ज नहीं थे, मेरे दोनों लैपटॉप चार्ज नहीं थे। मम्मी आपका फोन चार्ज है और पापा भी हो गए चार्ज। पापा तो हमारे बचपन से ही चार्ज है, जब पापा पैदा हुआ तो नर्स ने बोला था कि चार्जर पैदा हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओए फोन दे अपना। अरे जो हमने ये महफिल जमाई है बताओ किस लिए जमाई है? बैठे बैठे क्या कहीं कर रहा है कुछ काम? शुरू करो अंताक्षरी ले प्रभु। अंताक्षरी नहीं खेलनी है। मैं तो कह रहा अंताक्षरी है, बहुत अच्छा गाती है ये। घंटा अच्छा गाती है ये। मैंने ये महफिल इसलिए जमाई है क्योंकि मैं लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ। एक तो फूडी वी पे 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए हमारे, 1 मिलियन होने के लिए हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बचे हैं बस, तो थैंक यू फॉर दैट। और एक चीज और जिससे ओंकार को बहुत दुख हुआ है कि आंचल के इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर हो गए, तो इसी खुशी में आपके 9 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में और 10,000 आंचल के होने की खुशी में हम पढ़ने लगे हैं अपने यूट्यूब के कमेंट्स, जो कि हमने पिछली बार भी किया था। ये जो कहां चले यहीं रहो। जो आंचल का जो मैंने वो व्लॉग डाला था, आंचल की नई नौकरी लगी वाला व्लॉग डाला था, वो आया आई एम वेटिंग टू सी योर न्यू हाउस। तो आपको नया हमारा जो स्टूडियो बन रहा है वो जल्दी तैयार होने वाला है, तो जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ। तो मतलब उसके लिए तो हम खुद वेट कर रहे हैं, खुद क्यूरियस हैं तैयार होगा। हाँ। एक तो लॉकडाउन कोरोना की वजह से ना चीजें इतनी डिले हो रही है, हर एक चीज डिले हो रही है। व्हेन आदि वाज बिजी टॉकिंग टू ओंकार, मुक्ति वाज बिजी इन सैनिटाइजिंग डोर एंड बेल। हमें ये डर लगने लगा है कि अगली बार मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो उसमें भी वो सैनिटाइजर की मात्रा निकलेगी। मुक्ति जी इतना सैनिटाइजर स्प्रे करती है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, बट ये कई बार ज्यादा कर देती है। ऑब्वियसली हर एक चीज का एक्सेस यूज खराब। एक बार ने लिखा, यू शुड इंक्लूड आंचल परमानेंटली इन योर वीडियोस, शी इज लाइक चेरी ऑन द केक। वाह। और मैं कसम से बताऊं, मेरे को केक पे चेरी सबसे गंदी लगती है, मैं उठा के साइड पे रखता हूं। तो इसको इंक्लूड करना हम चाहते नहीं है, ये अगर हम चाहे तो इसको किसी कमरे में बंद करके वीडियो बना सकते हैं, बट हम आउट ऑफ कर्टेसी कर लेते हैं। कितने अच्छे मेरे भाई बहन, कितने अच्छे। और इतने लोगों ने मुक्ति कमेंट करके बताया कि उनका कुत्ता भी घराड़े मारता है, तो टैडी एक अकेला नहीं है। मुझे तो लगा था टैडी में किसी अंकल की आत्मा है। मैं बचपन में ना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ आदित्य से, तो मुझे था कि मेरा भाई मुझे इतना लड़ती थी है मेरे से, इसने मुझे कभी भाई नहीं बोला, बहन नहीं बोला, बहन नहीं बोला मैंने इसको, कभी दीदी नहीं बोला, बहन तो थी। दीदी तूने मुझे कभी दीदी क्यों नहीं बोला? एक ना बंदे की मतलब रिस्पेक्ट होती है, मतलब जो वो खुद बनाता है मतलब इज्जत दीदी बोला कर, इसको दीदी बोला कर, मैंने तो आज तक नहीं बोला। ऐसे कभी अंदर से ऐसा ख्याल नहीं आया, अंदर से नहीं आया, मतलब इस शक्ल को दीदी बोल सकते। जब घर वाले डांटते थे ना कि दीदी बोला कर, तो मैं 1-8 घंटे के लिए बोलता, तो उससे नहीं मेरे बोले जाता था। मुक्ति गुस्सा आता था कि और के भाई अपनी बहन को दीदी बोलते हैं। तो गाइस आवाज चुका है सोने का टाइम, क्योंकि मम्मी ने वहां से मार दी आवाज कि जल्दी से सो जाओ, सुबह बहुत सारे काम है। और इनको मैं लड़ने देता हूँ, दोनों को पता नहीं क्या करी जा रही है, पिल्लो फाइट। तो इसी के साथ करता हूँ मैं वीडियो को खत्म। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। घर पे रहे, सेफ रहे, घर वालों का ध्यान रखें, और ऐसे लोग अगर आपके घर पे है तो उनको घर पे ना रखें। तो गुड नाइट, बाय बाय। वाटर लिरिक्स, मजा आ गया।